राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोते राज्य वीज ग्राहकों ने अपेली राहत पर मायावती नाराजगी जताई। आ साथ अशोक गहलोते कांग्रेस भाजप और बीआरएस पर जनता हित की अवगणना करी हो आरोप लगवा। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोते वीज ग्राहकों ने राहत आपता पहला 100 यूनिट वीजड़ी फ्री आपवानी अने 200 यूनिट सुधी वीजड़ी वपराश में चार्ज माफ करवानुं ऐलान कर्युं। जो कि बसपा प्रमुख मायावती आ ऐलान बाद कांग्रेसे सरकार पर निशान ताक्यू। मायावती ट्वीट कर जणाव्युं कि राजस्थान में विधानसभा चूंटणी नजीक होवाथी हवे त्यांनी कांग्रेस सरकार द्वारा 500 रूपियामां रांधण गैस अने 100 यूनिट सुधीनी फ्री वीजड़ी आपवानुं ऐलान स्पष्ट रीते चूंटणी छळ नथी तो शुं छे। वती मोंघवारी ने ध्यान राखी आ कार्य सरकार बनावाना प्रारंभ में 5 वर्ष पहला करवानी जरूर हती। मायावतीए कहूं कि राजस्थानी जेम जनहित अने जनकल्याण कार्यों में निष्फळ रहेली छत्तीसगढ़नी कांग्रेस, मध्यप्रदेशनी भाजप अने तेलंगाणानी बीआरएस सरकार विधानसभा चूंटणी नजीक होवाथी पोतानी सरकारोने बचाववा माटे अनेक प्रलोभनो अने भ्रामक जाहेरातो वगैरेनो सहारो लई रही छे, ज्यारे जनता तेनाथी कंटाळी चूकी छे। मायावतीनी साथे साथे भाजपे पण राजस्थानी कांग्रेस सरकारने आड़े हाथ लीधी हती। देखिए, राजस्थान में तो पूरी लड़ाई ही पावर को लेकर हुई है। 4.5 साल तक इस पावर के लिए ही जिस प्रकार के स्थिर मैंडेट को अस्थिरता में तब्दील किया गया, जनता को दिए गए वादे पीछे कर दिए गए, सबसे ज्यादा महंगे बिजली के दर हो, सबसे ज्यादा महंगे पेट्रोल और डीजल पर वैट हो, ये राजस्थान में ही लगे हैं। और राजस्थान में सुन लेना, राजस्थान में कर्नाटक वाली हालत होगी, इन बीजेपी वालों की दुकान उठा देगा भगवान, क्योंकि ठाकुर जी नाराज हैं। इसलिए नाराज है क्योंकि बीजेपी वाले देते कुछ नहीं है, उपलब्धि बताते हैं। कल प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले, खुद की एक उपलब्धि नहीं बताई, सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते रहे। तो भाई साहब, खुद की भी तो बताओ, आपने क्या किया। बीएसपी प्रमुख मायावती आरोप लगाव्यो कि आ राज्य में मोंघवारी, गरीबी, बेरोजगारी और पछातपणो दूर करवानी भरपूर तक आपी होवा छता आ पार्टीओए जनता हित ने अवगणीने जनता साथे विश्वासघात कर्यो छे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।